इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइल इनपुट आउटपुट की। फाइल इनपुट आउटपुट में हम फाइल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस इन पाइथन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम फाइल हैंडलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइल हैंडलिंग ही बोलते हैं, ठीक है। फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या होता है वो हम बात करेंगे इस टॉपिक में, जिसको बोलते हैं फाइल इनपुट आउटपुट, ठीक। फाइल इनपुट आउटपुट, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें एक कोई फाइल बनता है जिसका एक्सटेंशन होता है .py, जैसे HTML का .html या फिर C का .c, उसी तरह पाइथन में भी जो एक्सटेंशन होता है फाइल का एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है .py, ठीक। कमेंट को हम जानते हैं, कमेंट जो है हैज़ लगा के, अगर एक लाइन कमेंट लिखना है तो उस लाइन के पहले हैज़ लगा दे, अगर मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो ट्रिपल कोट्स ओपनिंग, वो ओपनिंग होगा और जहाँ से शुरू होगा वहाँ ट्रिपल कोट्स लगा देंगे, उसके बाद एक से ज़्यादा लाइन जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ हम क्या लगा देंगे, ट्रिपल कोट्स लगा देंगे, ठीक है। तो ये कमेंट के बारे में, ये हो गया कमेंट के बारे में, ठीक। तो फाइल हैंडलिंग हमें पढ़ना है पाइथन में, फाइल हैंडलिंग, ठीक। तो चूँकि फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस इन पाइथन प्रोग्रामिंग में, इसका मतलब ये है कि जो एक फाइल एग्जिस्टिंग फाइल है, इसका मतलब कि एक फाइल बना हुआ है और उस फाइल पे अलग अलग हम ऑपरेशन परफॉर्म करें, ठीक। उस फाइल पे हम अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करें, वो प्रोसेस कहलाता है फाइल हैंडलिंग। वो प्रोसेस क्या कहलाता है? फाइल हैंडलिंग कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई एक एग्जिस्टिंग फाइल है, उस पर हम अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करें। एक कोई फाइल बना हुआ है हमारे सिस्टम में, जब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं या फिर जब हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो पहले से मेरे पास एक फाइल क्या हुआ है, एक फाइल बना हुआ है, ठीक। उस पर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करना या फिर उस पर डिफरेंट एक्टिविटी करना, वो कहलाता है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का मतलब है कि उसके कंटेंट पे हम कुछ नहीं करेंगे, जो उसके अंदर लिखा है उस पे हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है कि एक एग्जिस्टिंग फाइल है, फाइल का मतलब कि एक टुकड़ा है, ठीक, एक फाइल है, एक कॉम्पैक्ट पैक है, उसी पे हमें क्या करना है, अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, वो प्रोसेस कहलाता है फाइल हैंडलिंग। क्या कहलाता है? फाइल हैंडलिंग, ठीक। तो इसमें जो पढ़ना है हमें, वो पढ़ना है फाइल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस इन पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग का मतलब कि पाइथन में हमें पढ़ना है फाइल इनपुट एंड आउटपुट। इसका मतलब ये है कि फाइल पे जो हम अलग अलग इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, वो सारे ऑपरेशंस कहलाते हैं फाइल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस इन पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक। जैसा कि हम सबको पता है कि पाइथन में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, ब्लैंक पेज पे लिखते हैं, कि जो अनटाइटेड नोटपैड होता है। पाइथन में क्या करते हैं, सबसे पहले आइडियली ओपन करते हैं। तो आइडियली जब ओपन करते हैं तो देखिए एक मास्टर पेज उसका खुल जाता है, उसका सेल खुल जाता है, ठीक। उस पर क्या होता है, अगर हमें सिंगल लाइन प्रोग्राम लिखना हो या छोटा प्रोग्राम हो तो उसमें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन जनरली जो एक नॉर्मल मेथड होता है प्रोग्रामिंग करने का, वो क्या होता है कि हम उसके अनटाइटेड नोटपैड पे लिखें। किस पे लिखें? अनटाइटेड नोटपैड पे, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फाइल में जाके फाइल मेनू जो टॉप में लेफ्ट मोस्ट में होता है फाइल मेनू, फाइल में फिर ओपन पे क्लिक करेंगे तो जो एग्जिस्टिंग फाइल है वो खुल जाएगा, मतलब जो पहले से बना हुआ है, या फिर हमें नए फाइल में लिखना है, एक नए पेज में कोडिंग करना है, तो उसके लिए फाइल में न्यू, फाइल में जो लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट मोस्ट साइड में फाइल, उसको ओपन उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आ जाएगा न्यू ऑप्शन क्लिक करते हैं तो फाइल का एक पाइथन कोडिंग के लिए एक नया ब्लैंक पेज खुल जाएगा, अनटाइटल्ड ब्लैंक पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो उसी पे प्रोग्राम लिखते हैं या फिर इसका शॉर्टकट है Ctrl+N। क्या है? Ctrl+N। अगर इसको एक साथ हम प्रेस करें तो वो फाइल नया फाइल जो है वो खुल जाएगा, ठीक।
अब इस पे हमें प्रोग्राम लिखना है, इस पे हमें प्रोग्राम लिखना है। तो अगर हम कमेंट लिखते हैं, कमेंट का क्या मतलब होता है, अगर हमें प्रोग्राम को समझाना है या फिर प्रोग्राम को समझाना है या फिर ये करना है कि उस प्रोग्राम का हेडिंग देना है, उस प्रोग्राम का हेडिंग देना है, तो उसके लिए हम कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट का मतलब ये होता है कि वो लाइन प्रोग्राम का एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उस लाइन को बाईपास कर देगा। जैसे यहीं लिखा हुआ है, फाइल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस इन पाइथन प्रोग्रामिंग, फाइल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस इन पाइथन प्रोग्रामिंग। मान लीजिए इसे हमें एज अ हेडिंग लेना है, इसे हमें एज अ हेडिंग लेना है, या फिर इसके माध्यम से हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम किस टाइप का है। तो इसके लिए हम चाह रहे हैं कि ये लाइन एग्जीक्यूट ना हो, प्रोग्राम में एग्जीक्यूट ना हो, तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर देंगे, आगे कमेंट लगा देंगे। कमेंट लगाने के लिए सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन के लिए हम क्या लगाएंगे, हैश लगाएंगे, हैश लगाएंगे। ठीक है, तो ये सिंगल लाइन हो गया। मल्टी लाइन, मान लीजिए ये है फाइल इनपुट आउटपुट का ये कॉन्सेप्ट है, तो मल्टी लाइन एक से ज़्यादा है, 1, 2, 3 लाइन है, तो इसका मतलब यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ ट्रिपल कोट्स, एक ट्रिपल कोट्स लगा देंगे जो कि ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ एक ट्रिपल कोट्स लगा देंगे जो कि क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कमेंट सेक्शन। ठीक, तो अब फाइल हैंडलिंग का क्या है, फाइल हैंडलिंग का मतलब ये है कि अगर एक फाइल है मेरे पास, एक पहले से बना फाइल है, उस पे हम अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करें। अब उस फाइल पे कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, भाई उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले तो उस फाइल को ओपन करें, जब ओपन करेंगे तभी उस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। उसके कंटेंट पे कोई काम नहीं करना है, अभी हमको काम किस पे करना है, अभी हमको काम करना है कि उस फाइल पे जो एग्जिस्टिंग फाइल है उस पे वो काम करना है। कंटेंट के लिए अलग कमांड है, वो भी फाइल हैंडलिंग में आएगा, लेकिन उसके लिए क्या है, उसके लिए अलग कमांड है। ठीक, तो सबसे पहले फाइल को ओपन करें। तो जब हम फाइल को ओपन करें, ये ध्यान देने वाली बात है कि फाइल के कंटेंट को हम रीड नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, फाइल को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम फाइल को ओपन करते हैं, तो वो फाइल जो है वो क्या हो जाएगा, सेल में ओपन हो जाएगा, हमें दिखेगा नहीं, वो फाइल ओपन हो चुका है, क्योंकि कंटेंट पे तो हम उस पर कुछ कर नहीं रहे हैं, उसके कंटेंट को तो हम उसको प्रिंट करवा नहीं रहे हैं, तो इसीलिए हमें फाइल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक, ये एक प्रोसेस ये हो गया फाइल ओपनिंग का। ये भी फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है, इसीलिए ये भी पार्ट किसका हो जाएगा, फाइल हैंडलिंग का। तो फाइल हैंडलिंग क्या है कि अगर मेरे पास एक पहले से बना हुआ फाइल है उस पे हम अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करें, या उस पे अलग अलग हम क्रिया करें, उस पे अलग अलग हम काम करें, वो सारा क्या कहलाता है, फाइल हैंडलिंग कहलाता है। ठीक है, तो अब एक प्रोग्राम बना हुआ है या फिर एक कंटेंट बना हुआ है, उस पे क्या है, उस पे सबसे पहले क्या नाम है कि उसको हम फाइल को ओपन करें, उस पे तो एक ऑपरेशन है, तो वो फाइल हैंडलिंग हो गया। इसी तरह फाइल को ओपन करें तो फाइल को क्लोज़ भी कर सकते हैं। मतलब ये क्या है कि सेल में जो बैकग्राउंड में फाइल ओपन हो रहा है, वही फाइल क्या हो गया क्लोज़ हो गया। अच्छा, ये बताइए, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अगर एक बार फाइल क्लोज़ हो चुका है, तो क्या उस पर कोई अलग ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकता है क्या बिना ओपन किए? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक बार जब हम फाइल को क्लोज़ कर चुके, इसका मतलब ये है कि उसकी सारी एक्टिविटी क्या हो गई है, क्लोज़ हो चुकी है। ठीक है, क्लोजिंग भी क्या है, फाइल हैंडलिंग का एक पार्ट है, जैसे हम ओपन किए वैसे क्लोज कर दिए, जब हम फाइल को ओपन कर दिए तो इसका मतलब फाइल खुला हुआ है, उस पर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जब हम फाइल को क्लोज़ करेंगे तो उस पे हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हो गया फाइल ओपनिंग और दूसरा क्या हो गया, फाइल क्लोजिंग। फाइल ओपन का क्या मतलब हो गया, फाइल ओपन का मतलब ये हो गया कि मेरे पास एक फाइल है, उसको हम पाइथन कमांड के थ्रू या फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम के थ्रू या फिर फाइल हैंडलिंग कमांड के थ्रू हम उसको ओपन किए, उसके कंटेंट को अभी ओपन नहीं कर रहे हैं, बस वो किस पाथ पे है, वहाँ से अगर वो फाइल एग्जिस्ट कर रहा है तो हम क्या करते हैं, उस फाइल को ओपन करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे बताया क्लोजिंग की बात किए, तो क्लोजिंग का मतलब ये है कि जो फाइल ओपन किए थे विद द हेल्प ऑफ कमांड और विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्राम, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम बंद कर रहे हैं। भाई एक बार जब खोल दिए हैं तो उसको बंद करना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फाइल क्लोजिंग का। ठीक,
तो दो प्रोसेस, एक फाइल ओपनिंग और एक क्या है फाइल क्लोजिंग, इसको पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे करते हैं, अब इसको पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे करते हैं वही सारा प्रोसेस कहलाता है फाइल हैंडलिंग का। अब इसके आगे जो है हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।